नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ और आज एक बड़ी कहने को बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बट इग्नोर्ड प्रॉब्लम है, पर आगे जाके इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, उसके बारे में बात हम करेंगे। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है, यूरिक एसिड क्यों आपको परेशान करता है, क्या इसका उपाय है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रणवीर। तो आइए मिलते हैं, उन्हीं से सीखते हैं क्या कैसे बचाव हो यूरिक एसिड का। डॉक्टर रणवीर, ओवर टू यू। नमस्कार साथियों साथियों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड की। शरीर के अंदर कोशिकाओं का टूटना एवं बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब जैसे ही आपके शरीर में कोशिकाओं का टूटना स्टार्ट होता है तो होता क्या है, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती चीज है, उसका नाम है यूरिक एसिड। इसके साथ साथ में जब भी कभी आप प्रोटीन युक्त आहार ज्यादा खाते हैं, यानी ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं, और ये प्रोटीन आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाता और फिर ये प्यूरिन के फॉर्म में आ जाता है, और प्यूरिन के फॉर्म में आने के बाद में अगर ये बॉडी से निकल ना पाए, एक्सक्रीटरी हमारे जो माध्यम है वहां से अगर निकल ना पाए, तो ये क्या होता है, ये यूरिक एसिड के फॉर्म में ब्लड में बढ़ता चला जाता है। और जब ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, गठिया होती है, गठिया। अब ये यूरिक एसिड जो है, अगर आपकी किडनी से बाहर नहीं निकल रहा है, अगर आपके मलमूत्र से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में आपके ज्वाइंट्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और ज्वाइंट्स में जब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो ज्वाइंट्स में गांठ के रूप में इकट्ठा हो जाता है और बहुत ज्यादा पेन होता है। तो मैं कुछ सिम्टम्स की बात करूंगा। अगर आपके पैर के टो यानी पैर के अंगूठे में लालिमा महसूस हो रही है, इसके साथ साथ में वहां पर गांठ सी महसूस हो रही है, तो ये यूरिक एसिड का सिम्टम हो सकता है। अगर आपकी एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द बना हुआ है और आप बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह भी कर चुके हैं, आप डॉक्टर को दिखा चुके हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपको अपना यूरिक एसिड जरूर चेक करा लेना चाहिए। सुबह उठने के बाद में अगर आपके छोटे ज्वाइंट्स में पेन होता है, छोटे ज्वाइंट्स में जकड़न महसूस होती है, छोटे ज्वाइंट्स आपके दर्द करते हैं, ये यूरिक एसिड हो सकता है। अगर आपके छोटे ज्वाइंट्स में गांठ महसूस होती है तो ये यूरिक एसिड हो सकता है। अगर आपकी राइट एल्बो में या राइट कंधे में दर्द महसूस होता है, ये यूरिक एसिड हो सकता है। एसिडिटी बहुत ज्यादा फॉर्म होती है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, बुखार सा बना रहता है, भूख आपको नहीं लगती है, ये यूरिक एसिड के कुछ सिम्टम्स हैं और ये यूरिक एसिड के कुछ लक्षण हैं। किनको ज्यादा होता है, जो लोग मोटे ज्यादा होते हैं उनको ज्यादा होता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको ज्यादा होता है, जिनको हाई प्रोटीन जो लोग ज्यादा लेते हैं उनको ज्यादा होता है, अल्कोहल जो लोग ज्यादा लेते हैं उनको होता है, इसके साथ साथ में जो स्मोक ज्यादा करते हैं उनको होता है, थायराइड के पेशेंट्स को हो सकता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हो सकता है। अगर इन लोगों को ये समस्या हो रही है तो आपको निश्चित रूप से अपने यूरिक एसिड का टेक केयर करना चाहिए। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो मोदी केयर के पास में कुछ सजेस्टेड सप्लीमेंट्स हैं। एलोवेरा लेना होगा, आपके अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होगा। ये जो यूरिक एसिड जम गया है आपकी बॉडी में, ज्वाइंट्स के बीच में इकट्ठा होकर क्रिस्टल फॉर्म में जम गया है और वहां पर गांठे फॉर्म कर रहा है, आपको इसको बाहर निकालना होगा। कैसे बाहर निकालेंगे, आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करिए, एलोवेरा प्लस लीजिए 10 ml सुबह, 10 ml शाम को। इसके साथ साथ में डिटॉक्स की एक गोली लीजिए, सुबह खाली पेट लीजिए, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ में अगर बात करूं तो गिलोय लेना है आपको। गिलोय बहुत शानदार तरीके से काम करता है, क्षार ही होता है बेसिकली गिलोय, और वो यूरिक एसिड क्या है, वो अम्लीय है। तो आपको गिलोय लेना है, एक गोली सुबह एक गोली शाम, नाश्ते के बाद ले सकते हैं। तुलसी में बहुत ज्यादा क्षार होता है, एल्कलाइन जो है तुलसी में बहुत ज्यादा होता है, तो तुलसी की एक गोली सुबह एक गोली शाम ले सकते हैं। तो एलोवेरा प्लस, डिटॉक्स, तुलसी और गिलोय, इन चार प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में लेके आइए। यूरिक एसिड ऐसी खतरनाक बीमारी से अपने आप को बचा लीजिए। बहुत दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है जिसको होता है, ईश्वर न करे किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, इन चार प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कीजिए, यूरिक एसिड से मुक्ति पाइए। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। यूरिक एसिड बहुत पेन करता है और यूरिक एसिड एक और पेन देता है कि यूरिक एसिड होने के बाद आपको प्रोटीन का इंटेक कम बता देते हैं, और जब प्रोटीन का इंटेक कम बता देते हैं तो मसल लॉस होने लगता है, मसल लॉस हो जाता है तो लाइफ में फिर कुछ बचता ही नहीं है, आप ढीले ढाले होते चले जाते हो, ढीले ढाले पड़ते चले जाते हो। तो एक तो बात और भी निकल करके आती है, वो ये कि आपको यूरिक एसिड नहीं हो इसके लिए अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी वाला प्रोटीन इंटेक लेना होता है, और मोदी केयर का प्रोटीन जो है 98% प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अपनी लाइफ में आप मोदी केयर के प्लांट प्रोटीन को इंक्लूड करें, वो एक पहली बात है। दूसरी बात, अगर यूरिक एसिड हो जाए तो स्पाइरुलिना लेना शुरू करें। देखिए आप कहेंगे मैम आपने चार प्रोडक्ट पहले बताया, अब आप दो प्रोडक्ट और बता रहे हो, छह प्रोडक्ट हो गए, पर क्या है अगर प्रॉब्लम हो गई है तो लाखों रुपए की दवाई खाने से तो बेहतर है कि ये कुछ हजारों के फूड सप्लीमेंट खा करके अपने आप को ठीक कर लिया जाए। तो स्पाइरुलिना में बहुत प्रोटीन होता है, वो यूरिक एसिड वालों को हम रिकमेंड करते हैं। इस तरीके से आप अपना ध्यान रख सकते हैं, और इन्हीं प्रोडक्ट्स की मदद से बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी में इन प्रॉब्लम्स को कहते हैं ना मैनेज करके रखा है। आइए बात करते हैं सबसे पहले अमन शर्मा जी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार, अमृतसर से हूँ।
और मेरे नोन में किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, हमने पहले उनके टेस्ट करवाने जरूरी समझे, और टेस्ट में अगर उनका यूरिक एसिड हाई आया तो हमने उसको डिटॉक्स सुजेस्ट की। डिटॉक्स के साथ साथ उनको एक गिलोय भी दी और साथ में एलोवेरा दिया, और विद इन फ्यू टाइम फ्यू मंथ्स उनका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ गया, और अब वो अपना बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल दे रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और थैंक यू मोदी केयर का, जिन्होंने अच्छे सप्लीमेंट्स बनाए। थैंक यू वेरी मच मी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए सुनते हैं रुचि जी को। रुचि जी, ओवर टू यू। नमस्कार, मेरा नाम रुचि है। थैंक यू सो मच मैम, मैं अम्बाला से बिलोंग करती हूँ। मुझे अभी 4 महीने पहले ही पता लगा कि मुझे यूरिक एसिड है। जब मैं सुबह सो के उठती थी तो मेरे जॉइंट्स में बहुत पेन रहता था, मेरे पैरों की तलवों में ऐसा होता था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी, और सुबह सुबह बच्चों को भेजना तो बहुत ज्यादा हेक्टिक था मेरे लिए, और जब मैं जॉब पे जाती थी तो चल भी नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने टेस्ट करवाया तो यूरिक एसिड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। तब मेरी मैंने डॉक्टर से पहले नहीं ली प्रिस्क्रिप्शन, मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ काफी टाइम से, तो उसने मुझे प्रिस्क्राइब किया कि आप मोदी केयर के सप्लीमेंट्स एक बार स्टार्ट कीजिए। तो उसने मुझे आंवला, एलोवेरा प्लस उन्होंने मुझे गिलोय और तुलसी रिकमेंड की, जो मैं रेगुलर अभी भी खा रही हूँ। 4 महीने हुए हैं और अब मैं इतनी ज्यादा हैप्पी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह उठ के भी मैं नॉर्मल रहती हूँ, और बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, और बड़ी अच्छी तरह से उसको फॉलो करती हूँ। थैंक यू।